मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए सभी के लिए। तो सैलरी लेवल 9 की मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बेसिक पे आपको यहाँ पे 53,100 मिलेगा, मंथली आपको 1 लाख के अराउंड आपको इसका ग्रॉस अमाउंट मिल जाएगा। लास्ट डेट है इसमें ओके, वो 30 अप्रैल 2024 रहने वाली है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे कि पोस्ट यहाँ पे क्या रहेगी, कितने हर पोस्ट के लिए क्यों है, कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट का जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्या रहने वाली है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होने वाला है, सैलरी कितनी मिल जाएगी और अप्लाई कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों BSPHCL जो है यहाँ पे अनाउंस कर रहा है जॉब रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर ओके। तो यहाँ पे क्या रहेगी, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो ये जो है पोस्ट हमारे इंजीनियर्स के लिए रहने वाली है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर, तो गेट स्कोर के बेसिस पे ओके ये यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ग्रेजुएट ट्रेनी ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर फॉर हेड ऑफिसेस एंड फील्ड ऑफिसेस ऑफ इट्स सब्सिडायरी कंपनी नेमली बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका जो हेड ऑफिस और जो फील्ड ऑफिसेस जो रहेंगी वहाँ पे आपका यहाँ पे पोस्टिंग होगी, किसकी कहाँ पे, तो BSPTCL इसकी जो सब्सिडायरी है वहाँ पे। अब यहाँ पे वैकेंसी कितनी रहेगी, तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 40 है, जिसे यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कास्ट वाइज ओके। तो कास्ट वाइज यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा, जनरल है और ये वुमेन्स के लिए है, अनरिजर्व, फिर EWS है, SC के लिए, ST के लिए, EBC और BC के लिए। तो यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के लिए, तो यहाँ पे आपका फुल टाइम 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, BE, BTEC या BSc होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसमें आपका यहाँ पे परसेंटेज में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें क्वालिफाई आपका के साथ आपका 60% होना चाहिए अगर आप अनरिजर्व हो, SC ST के लिए 50% चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए, 55% आपका BC और EBC से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 55% चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए। कैंडिडेट्स अपियरिंग इन फाइनल ईयर, तो अगर इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में है ओके और वैलिड गेट स्कोर है तो वो भी यहाँ पे क्या है एलिजिबल है। आगे वैलिड गेट स्कोर, अ कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। तो जब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए ओके। इसी के साथ आगे बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड, तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 3 साल का रहने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जब भी आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी तब से। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्टरी द सर्विसेज शैल बी टर्मिनेटेड ओके। तो यहाँ पे सर्विस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी अगर आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो ओके। एज की बात करते हैं, तो एज ऑन 31st मार्च 2024, तो इस डेट तक आपको अपनी एज जो है वो काउंट करनी है, मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए सभी के लिए और आपकी मैक्सिमम एज अनरिजर्व के लिए 37 है, SC ST के लिए 42 है और EBC और BC के लिए 40 है। फीमेल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व के लिए हैं उनके लिए यहाँ पे 40 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम एज लिमिट इसकी रहने वाली है। तो आगे बात करेंगे यहाँ पे कि भाई सैलरी आपका रेम्यूनरेशन इसमें कितना रह जाएगा, तो कंसोलिडेटेड पे बैंड 36,800 से लेके 58,600 आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपका मंथली बेसिक पे जो रहेगा वो रहेगा 36,800। फिर जब आपका 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे खत्म होता है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके, तो आपको रेगुलर पे लेवल आपको 9th का मिल जाएगा ओके। पे लेवल आपको 9th का यहाँ पे मिल जाएगा, विल बी एडमिसिबल सब्जेक्ट टू देयर कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस रिमेनिंग सेटिस्फैक्टरी एंड देयर अचीविंग ओके। तो सैलरी लेवल 9 की मैं आपको यहाँ पे बता दूं, बेसिक पे आपको यहाँ पे 53,100 मिलेगा, फिर इसके बाद आपको DA मिल जाएगा 46%, HRA मिलेगा, TA मिलेगा, फिर DNS अलाउंस आपका TA पे भी मिलेगा। तो उस सब को मिला के आपका जो ग्रॉस अमाउंट बनेगा वो 1 लाख के आसपास यहाँ पे आपका बनेगा 1 महीने का ओके मंथली, जो कि बहुत ही अच्छा पैकेज
यहाँ पे रहेगा, यानी मंथली आपको 1 लाख के अराउंड आपको इसका ग्रॉस अमाउंट मिल जाएगा। ओके, तो बहुत ही अच्छी सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऐसी और अपॉर्चुनिटीज हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए यहाँ पे निकलने वाली है, जिसमें क्या होता है गेट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसके लिए आप गेट मैकेनिकल 2025 का फुल वीडियो कोर्स है इसमें एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा कंटेंट इसमें आपको कवर्ड मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लेना। आगे यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के लिए, तो अनरिजर्व के लिए और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस इनके लिए यहाँ पे 1500 रखी गई है, जबकि यहाँ पे SC, ST और दिव्यांग जो एप्लीकेंट्स हैं यानी PWBDs 40% एंड अबव ओनली। ओके, तो जिनका यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि 40% के अबव उनकी जो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। फिर फीमेल एप्लीकेंट्स के लिए जो कि डोमिसाइल है बिहार के लिए, तो उन सब के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी ₹375। मोड ऑफ सेलेक्शन, तो यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे आपका सेलेक्शन होगा, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बोला था। अब अप्लाई कैसे करना है, तो इसकी ऑनलाइन वेबसाइट है bsphcl.co.in पे जाके आपको ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करना है। 1 अप्रैल 2024 से लेके आपकी जो लास्ट डेट है इसमें, ओके, वो 30 अप्रैल 2024 रहने वाली है। फिर टेंटेटिव डेट फॉर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग की डेट आपको यहाँ पे टेंटेटिव दी गई है कि मई या जून 2024 में ये होगा, पॉसिबल होगा। ओके, तो ये पूरा वीडियो था इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग। आई होप कि आप सबको यहाँ पे सब कुछ चीज़ें कवर हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको आपको लगता है कि इसके लिए एलिजिबल होगा। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।